Hello student, today I am going to discuss about sexual reproduction in flowering plant. Today's our topic is floral structure. देखते हैं सबसे first की flower होता क्या है. What is a flower? Flower is a highly modified condensed shoot. It essential for sexual reproduction in angiospermic plant. जो flower है ये condensed shoot होता है जो कि flower में convert होता है और ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कॉन्स्पिशियस पार्ट होता है और एसेंशियल पार्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. जो फ्लावर में फोर फ्लोरल मेम्ब्रेन होते हैं जो कि अरेंज होते हैं. फर्स्ट है कैलिक्स, करोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम, जिसे कि फ्लावर कंप्लीट होता है. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टार्ट होता है पेडिसिल से. तो पेडिसिल्स होता क्या है? पेडिसिल्स क्या है? इट इज़ ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, बेसल बेरियन पोर्शन ऑफ फ्लावर. क्या होता है? जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, नीचे का जो ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है, ये नीचे का जो ग्रीन कलर का ये पार्ट है, ये कहलाता है पेडिसिल. ये है उसका पेडिसिल पार्ट है जो कि फ्लावर के बेसल पार्ट या बेसल पोर्शन से अटैच होता है. अगर फ्लावर में पेडिसिल प्रेजेंट हो तो उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? पेडिसिलेट फ्लावर. जैसे कि फॉर एग्जांपल है हिबिस्कस. अगर फ्लावर विदाउट पेडिसिल हो, अगर ये जो ग्रीन कलर का ये जो पार्ट है अगर ये एब्सेंट हो फ्लावर में, तब वो फ्लावर कहलाएगा सेसाइल फ्लावर. तो ये हुआ उसके पेडिसिल के प्रेजेंट और एब्सेंस के बेस पे है. नेक्स्ट देखते हैं हम थैलेमस. अभी थैलेमस क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिसेप्टिकल. इसे थैलेमस को हम रिसेप्टिकल्स भी बोल सकते हैं. रिसेप्टिकल्स में जो फोर वर्ल होते हैं या फ्लावर का जो बेस होता है वो उस पर अरेंज होता है, जिसे हम थैलेमस या रिसेप्टिकल बोल रहे हैं. और इसका जो अपर पार्ट है वो सोलन पार्ट होता है, जिसको हम पेडिसिल्स बोल रहे हैं. देखते हैं फ्लोरल. तो फ्लोरल वर्ल जो है वो फोर टाइप्स के, इसको फोर टाइप्स में या डिफाइन किया गया है. फर्स्ट है कैलिक्स, सेकंड है करोला, थर्ड है एंडोशियम एंड फोर्थ है गाइनोशियम. तो जो फर्स्ट है कैलिक्स, कैलिक्स होता क्या है? पेडिसिल्स के ऊपर जो ग्रीन कलर्स के जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है वो कहलाता है कैलिक्स. इसके इंडिविजुअल्स पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेपल्स. इसके इंडिविजुअल्स पार्ट को हम बोलेंगे सेपल्स, जो कि ग्रीन कलर का होता है. तो कैलिक्स को हम के सिंबल से डिफाइन कर सकते हैं. सेकंड पार्ट है करोला. करोला क्या है? जो कलरफुल पार्ट है, जो रेड कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, जिसको हम पेटल्स जिसको हम पेटल्स बोलते हैं, ये है करोला. तो करोला के जो इंडिविजुअल्स पार्ट है, इंडिविजुअल्स पार्ट को हम लोकल लैंग्वेज में पेटल्स बोलते हैं. अगर हम बॉटनिकल लैंग्वेज में देखें तो इंडिविजुअल्स पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? पेटल्स बोल रहे हैं. तो जो पेटल्स है इसको हम किससे डिफाइन करेंगे? करोला को सी से डिफाइन करेंगे. जो पेटल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट कलर्स के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हिबिस्कस है, तो हिबिस्कस में अगर रेड है तो वो रेड कलर के होंगे, अगर वाइट हिबिस्कस है तो वाइट कलर का होगा, और अदर फ्लावर्स में अदर कलर्स के होते हैं. नेक्स्ट थर्ड वर्ड है वर्ल जो है वो है एंड्रोशियम. एंड्रोशियम को ए से डिफाइन किया जाता है. जो एंड्रोशियम है ये इसके मेल पार्ट को रिप्रेजेंटेड करता है. मेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फ्लावर का जो मेल पार्ट है वो क्या होता है? स्टैमन. मेल पार्ट क्या है? स्टैमन है. ये है स्टैमन जो कि मेल पार्ट है. ये जो ब्लैक कलर का नीचे जो वाइट कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हम इसे बोलते हैं स्टैमन. तो स्टैमन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है एंथर और कनेक्टिव, और नेक्स्ट है फिलामेंट्स. एंथर और फिलामेंट्स को कनेक्ट करने वाला कहलाता है कनेक्टिव. तो एंथर क्या होता है? जो एंथर है ये मेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके इंडिविजुअल्स पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? स्टैमन्स. ठीक, तो इंडिविजुअल्स पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? स्टैमन्स. जो एंथर है ये कैसा होता है? बाइलोबेट होता है, और इसमें टू लोब्स प्रेजेंट होते हैं.
जो कि एंथर कहलाता है, और इसका जो फिलामेंट्स है एंथर जिससे अटैच है वो कहलाता है फिलामेंट्स। अब आते हैं फोर्थ वर्ड, ये है गाइनोशियम, जिसको हम जी से डिफाइन करते हैं, और इसके इंडिविजुअल्स मेंबर्स को कार्पल्स या फिर पिस्टल बोला जाता है। तो गाइनोशियम कौन सा पार्ट है, ये जो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये कहलाता है, ये टोटल पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, गाइनोशियम। इसके इंडिविजुअल्स पार्ट है पिस्टल। तो जो पिस्टल है ये भी थ्री पार्ट से कन्वर्ट होते हैं। फोस्ट का जो ऊपर का जो पार्ट है जो कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो कहलाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे का जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर का, ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है स्टाइल। स्टाइल के बाद का जो अंदर जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सेल वाले स्ट्रक्चर, ये कहलाता है ओवरी। ओवरी में प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को शो करता है। नीचे आते हैं, सेम डायग्राम्स हैं, जैसे कि अब माइक्रोस्पोरोफिल है, तो माइक्रोस्पोरोफिल किसको डिफाइन कर रहा है, स्टैमन को। मेगा स्पोरोफिल है, तो मेगा स्पोरोफिल किसको डिफाइन कर रहा है, कार्पेल्स को। माइक्रोस्पोर्स है, तो माइक्रोस्पोर्स किसको डिफाइन कर रहा है, पोलन ग्रेन को। माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया किसको डिफाइन कर रहा है, पोलन सैक। और मेल गैमेटोफाइट ये है जर्मिनेट पोलन ग्रेन, और मेगा स्पोरेंजियम ये है ओव्यूल्स, फीमेल गैमेटोफाइट है एम्ब्रियो से, और फीमेल गैमेट से एग। ये नीचे जो स्ट्रक्चर है ये टिपिकल स्टैमन का स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हैं। ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये है एंथर, और एंथर जिससे कनेक्ट है फिलामेंट, और एंथर जिससे कनेक्ट है वो है कनेक्टिव, और नीचे का है फिलामेंट स्ट्रक्चर। अगर हम इसको कट करें तो इसमें पोलन सैक दिखाई दे रहा है, ये लाइन ऑफ डिहेसिन सेल्स है, और ये ऊपर का ये जो दो सेल्स है वो पोलन सैक है। पोलन सैक में पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। ऊपर का जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है वो है स्टिग्मा, जो कि स्टिकी सरफेस होता है, इसमें स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि इंसेक्ट को वहाँ पे अटैच होने में या पोलन ग्रेन को वहाँ पे अटैच होने में हेल्प करता है। और यह स्टाइल है, और नीचे ये ओवरी है, ओवरी में प्रेजेंट है ओव्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये था स्ट्रक्चर इसका फ्लावर का। थैंक यू।